मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्क ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे। डिस्क ब्रेक के बारे में हर डिटेल में आपको बताऊंगा। डिस्क ब्रेक में यूज होने वाले कैलिपर्स, पिस्टन्स, डिस्क और ब्रेक पैड्स के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप डिस्क ब्रेक के बारे में हर डिटेल जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बगल में आप एक डिस्क ब्रेक का डायग्राम देख सकते हैं। डिस्क ब्रेक में एक कास्ट आयरन की डिस्क का यूज होता है जिसको व्हील हब के साथ बोल्ट किया जाता है और एक स्टेशनरी हाउसिंग रहती है जिसे हम कैलिपर कहते हैं। यह जो कैलिपर है यह व्हीकल के कोई स्टेशनरी पार्ट के साथ कनेक्ट रहता है, जैसे कि एक्सल केसिंग हो गई, स्टब एक्सल हो गया। और इस कैलिपर को दो पार्ट में कास्ट किया जाता है और इस कैलिपर के दोनों ही पार्ट में पिस्टन लगे रहते हैं और डिस्क और पिस्टन के बीच में ब्रेक पैड्स का यूज होता है। कैलिपर में फ्लूइड की एंट्री और एक्सिट के लिए ग्रूव्स रहते हैं जहां से फ्लूइड आता है और पिस्टन के ऊपर वर्क करता है और ब्रेक अप्लाई होता है। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, डिस्क ब्रेक में कास्ट आयरन की डिस्क का यूज होता है जिसे कि कैलिपर के अंदर माउंट किया जाता है। इस कैलिपर में दो पिस्टन रहते हैं और डिस्क और पिस्टन के बीच में ब्रेक पैड्स का यूज किया जाता है और फ्लूइड की एंट्री के लिए इस कैलिपर में जगह रहती है जहां से फ्लूइड आता है, इन पिस्टन के ऊपर वर्क करता है और ब्रेक अप्लाई होती है। तो जैसे ही फ्लूइड आता है, हाइड्रोलिक प्रेशर लगाता है, पिस्टन डिस्क को पकड़ते हैं, डिस्क को दबाते हैं जिससे कि डिस्क रुकना चालू होती है जो कि पहले घूम रही थी। अगर हम कैलिपर के बारे में डिटेल से बात करें तो कैलिपर एक ऐसी असेंबली होती है जिसमें पिस्टन और ब्रेक पैड्स लगे रहते हैं। बेसिकली दो टाइप के कैलिपर होते हैं, फिक्स्ड कैलिपर और मूविंग कैलिपर, या फिर इसे फ्लोटिंग टाइप कैलिपर भी कहा जाता है। फिक्स्ड कैलिपर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, यह कैलिपर बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। दो पिस्टन का यूज होता है जो डिस्क को दोनों तरफ से कंप्रेस करते हैं। और फ्लोटिंग टाइप कैलिपर जिसे हम स्विंगिंग टाइप कैलिपर भी कहते हैं, इसमें एक एंड में फल्क्रम पिन लगी रहती है, यानी कि कैलिपर हिंज्ड रहता है फल्क्रम पिन के अबाउट और एक पिस्टन जो रहता है वह डायरेक्ट इस कैलिपर के साथ लगा रहता है। इसमें फ्लूइड सिर्फ एक ही पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाता है या दूसरा पिस्टन रिएक्शन देता है और दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्सेस डिस्क के ऊपर लगते हैं। अगर हम डिस्क ब्रेक में यूज होने वाले पिस्टन्स की बात करें तो डिस्क ब्रेक में यूज होने वाले पिस्टन्स एल्यूमिनियम या फिर क्रोम प्लेटेड आयरन के बने रहते हैं और डिस्क ब्रेक में कहीं कहीं पे आपको 8 पिस्टन्स तक नजर आ जाएंगे। और अगर हम डिस्क की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डिस्क ब्रेक में यूज होने वाले डिस्क को पेरिटेक्टिक ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है और पिस्टन और डिस्क के बीच में ब्रेक पैड्स का यूज किया जाता है। यह ब्रेक पैड जैसे जैसे घिसते जाते हैं ब्रेकिंग एफर्ट कम होते जाता है और किसी किसी ब्रेक पैड में आपको एंड में मेटालिक बॉडी मिलेगी जिससे कि मेटल कांटेक्ट होने लगता है, अलग सी आवाज आने लगती है जिससे पता चल जाता है कि ब्रेक पैड घिस चुका है। या फिर कई सेंसर्स का यूज किया जाता है, यह सेंसर्स वार्निंग दे देते हैं जब आपका ब्रेक पैड पूरी तरह से घिस जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने डिस्क ब्रेक के बारे में बात की, डिस्क ब्रेक के कंस्ट्रक्शनल डिटेल, डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है, डिस्क ब्रेक में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे। जय जवान जय किसान।